थिंक द फिल्म का स्टोरी इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज वाई जब ट्रेलर हमने रिलीज़ किया बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था. इफ यू सी द कॉमेंट्स एंड एवरीबडी इज बीन ट्वीटिंग एंड मैसेजिंग. तो अभी बस वी हैव रीच्ड द टाइम द मोमेंट एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई कांट वेट फॉर एवरीबडी टू सी द फिल्म. आई थिंक मेन रिस्पॉन्स इज कि यू नो द स्टोरी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम इतने सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि आजकल यू नो पीपल वॉन्ट टू सी मूवीज विच हैव अ गुड कॉन्टेंट. यू नो दे वॉन्ट टू सी स्टोरी कि कुछ है कुछ यू नो. एंड इट्स अ वेरी क्रिस्प फिल्म, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग फिल्म. सॉन्ग्स नहीं है इसमें जो ज़रूरत भी नहीं है. एजुकेशन माफिया के ऊपर है जो कि एक अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ऐसी फिल्म आई नहीं है. इतने सारे वी हैव 18 एक्टर्स इन दिस फिल्म एंड एवरीबडी इज नोन फॉर देयर एक्टिंग स्किल्स. यू नो दे आर गुड एक्टर्स. सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज एंड इट्स नॉट प्रीची, इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म. तो लोगों को मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला है. ओके, फिल्म में आपकी एक्टिंग भी काफ़ी तारीफ की जा रही है, किरदार कितना अलग है और कितना यूनिक. बहुत अलग है. मुझे गन उठाने को मिला और मुझे किसी को हड़काने को मिला, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. यू नो आई वॉज बोर्ड ऑफ डूइंग रोल्स वेर आई एम लाइक द पर्सन जिसको लोग हड़का रहे. फॉर अ चेंज मैं दूसरों को यू नो थोड़ा सा धमका रही हूँ. तो आई रियली एंजॉय इट, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. एंड या बाकी कस्टर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोस्टली मेरे सीन्स पवन जी के साथ है जो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और श्रेयस के साथ है. तो बहुत मज़ा आया. ये बहुत मस्ती करते हैं सेट पे. इवन आर डायरेक्टर अश्विनी सर को देखने में ऐसे सीरियस लगते हैं बट ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ. तुम लोग को शूटिंग में बहुत मज़ा आया. प्लस वी शॉट इन बनारस एंड इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू बनारस. दिवाली के टाइम हम आए थे सो वी सेलिब्रेटेड दिवाली, वी इन्जॉय द शूट. खाना बहुत खाया, हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमें बहुत खाना खिलाया है इन दिस फिल्म बिकॉज दैट्स द वे दे आर. सो आई रियली एन्जॉय. आई नो दैट इट्स अ कोइंसिडेंस. अलग अलग होने वाली थी बट साथ में हो गई. तो आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम ब्लैंक हियर. बोथ द फिल्म्स आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद बोथ द फिल्म्स क्योंकि दोनों जो फिल्म की स्टोरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट्स एंड सर्टेन सिमिलैरिटीज आ रही है, उसमें भी गाने नहीं, इसमें भी गाने नहीं है. तो बहुत ही आजकल जो चल रहा है यू नो पीपल जो जिस तरह की मूवीज लोगों को पसंद आ रही है दोनों फिल्म वैसी है. एंड आई कैन नेवर चूज बिकॉज इट्स लाइक यू नो बोलते दो बच्चे होते तो यू कैन चूज बिटवीन देम. फॉर मी इट्स लाइक दैट एंड फॉर मी नर्वसनेस एक्साइटमेंट सब डबल हो गई है बिकॉज आई एम जस्ट लाइक ऑल ओवर द प्लेस. आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड. थैंक यू. हम लोग बहुत खुश हैं कि जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों से काफ़ी पॉजिटिव है. हम लोग क्योंकि यही कोशिश थी कि एक अच्छी और एक सच्ची फिल्म बनाएं और जो बेसिकली जो फिल्म की कहानी है जो एजुकेशनल सिस्टम पर के जो लूप होल्स है उस पर हम लोगों ने एक सच्ची कहानी बनाई है. तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि एक जो संदेश है जो सच्चाई है जो रियलिटी है वो हम लोगों तक पहुँचाए और फिर यू नो एटलीस्ट इट गिव्स देम फूड फॉर थॉट. एक डिस्कशन के लिए ओपन हो सकता है एंड एटलीस्ट लोग जान सकते हैं कि बाहर हो क्या रहा है. सो आई थिंक अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई होप दैट पीपल वॉच द फिल्म एक्चुअली एंड एंजॉय. नहीं नर्वस नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ. मैंने सीरियस फिल्म की है इसके पहले लेकिन इस तरह का रोल मैंने किया नहीं तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है. एक नयापन है इसमें क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ
एंड ऑफ कोर्स लोगों के माइंड में एक थोड़ा सा परसेप्शन रहता है कि ये क्योंकि इतनी सारी कॉमेडी फिल्म आई है तो मतलब इस तरह का रोल, इस तरह की फिल्म कैसे होगी मेरे लिए. बट लेकिन इसको मैं लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. अश्विनी जी हमारे डायरेक्टर अश्विनी चौधरी जी, उन्होंने मुझे इस रोल में लिया. मतलब मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि उनके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस था कि हम लोग इस रोल को कर पाएंगे. तो यू नो आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर कास्टिंग मी इन दिस रोल एंड आई डन माई बेस्ट. मतलब जितनी भी मैं कोशिश कर सकता था मैंने की है ताकि इसको जितना ऑथेंटिक बना सकूँ मैंने बनाई. जैसे कि आपने कहा स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम के ऊपर वैसे का किस तरह से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, किस तरह से उम्मीद नहीं, मतलब बेसिकली जो ट्रेलर में है दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. तो क्योंकि एक सिस्टम का जो फॉल्ट है, का जो लूप होल है, उस पर हम लोगों ने बनाया है. तो ऑब्वियसली एक उम्मीद है कि लोग इसको देखकर एटलीस्ट सोचना शुरू कर देंगे एटलीस्ट. क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के. तो जिम्मेदारी को दिमाग में रखते हुए वी शुड स्टार्ट थिंकिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू. जो एजुकेशन हमारे देश में बहुत एक सीरियस इशू है और इसको अगर एक धंधा बनाया जा रहा है तो वी शुड बी सिटिंग अप एंड टेकिंग नोटिस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग. सो आई थिंक उम्मीदें तो हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग इस फिल्म को देखकर पसंद करें एंड डेफिनेटली दे शुड स्टार्ट थिंकिंग. पेट में गुड़गुड़ हो रही है और वो कहते हैं ना कि थोड़ा गैस पे हूँ. नर्वसनेस तो होती है, जाहिर सी बात है, फिल्म जब रिलीज़ पे हो तो. और ख़ासकर सेटर्स जैसी फिल्म जो एक थ्रिलर जॉनर की है, मैं पहली बार एक थोड़ा नेगेटिव किस्म का किरदार कर रहा हूँ. सो ऑब्वियसली थोड़ा नर्वसनेस है. हमने अपना काम कर दिया है, अब तीर निकल चुका है, अभी बस जय भोलेनाथ. एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अच्छा है. स्क्रिप्ट जिस तरीके से सिराज सर ने लिखी है, अश्विनी जी ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है. सो यू नो उन्होंने हमारा आधा काम आसान कर दिया था. बट यस, इट इज़ अबाउट क्या कहते हैं, डिलीवरिंग द राइट थिंग इन द राइट मैनर एंड पीपल एक्सेप्टिंग इट. बस एक्सपेक्टेशंस तो जीरो रख के चलता हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू लाइक द फिल्म एंड लाइक व्हाट वी अटेम्प्टेड. बाकी एज एक्टर्स तो हम लोग का काम है कि कुछ ना कुछ अलग लोगों को एंटरटेन करते रहें. एंड ये फिल्म का भी कोई मकसद है, ये कोई ज्ञान नहीं दे रहे, कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे. ये आइडिया है कि लोगों को एंटरटेन करें. हाँ, जो मुद्दा है वो एक सीरियस मुद्दा है, वो एक सवाल उठा है, लोगों को थोड़ा अवेयर करने की कोशिश की है. तो आई होप कि जो चीज़ें क्या कहते हैं, जो सोची है वो उतनी मैसेज लोगों तक पहुँच जाए. मतलब आप सोचो कि ये
मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मैं हैरान रह गया था कि ये जो इंडस्ट्री है, ये माफिया जो है जो पेपर लीकिंग सेटिंग वगैरह करते हैं, ये सालाना इनका टर्नओवर 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अगर इतनी इनकी कमाई है तो सोचो कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और कितने लोग बेसिकली इस टेम्पटेशन के बलि पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम एटलीस्ट लोगों को अवेयर करें कि कुछ लोगों के वजह से कुछ अच्छे डिजर्विंग लोग पीछे रह जाते हैं, बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बेचारे कभी कभी सुसाइड वगैरह तक पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक समवेयर इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट क्रिएट अवेयरनेस एंड रेज अ क्वेश्चन, जो हमने इस फिल्म के जरिए किया। थैंक यू गाइस। सारी एनर्जी मेरी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करनी थी, बिकॉज शी इज़ नॉट अ ईशा शास्त्री इज़ नॉट अ फिल्मजी कैरेक्टर, सो शी इज़ समवन विद अ लॉट ऑफ ग्रेविटास, सो वो चैनलाइज करना थोड़ा सा आई हैव टू वर्क ऑन इट। थैंक यू गाइस।
इतने सारे माइक्स, ऐसा लग रहा है कि मैं सॉरी आप एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फिल्म एक्चुअली वो अश्विनी डायरेक्ट कर रहा है सो अश्विनी चौधरी इज नोन फॉर डायरेक्टिंग ग्रेट फिल्म्स बहुत बढ़िया सोशल रेलेवेंस के सब्जेक्ट्स हमेशा चुनते हैं इनकी धूप वॉज अमेजिंग सो सेटर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी अमेजिंग सॉरी किसकी परफॉर्मेंस के लिए आपने एक्साइटेड हैं फिल्म में काफी सारे मुझे मालूम है श्रेयस तलपड़े जिसके साथ मैंने अभी हाल ही में काम किया है माय नेम इज लखन में आई थिंक इज अ वंडरफुल एक्टर आई एम श्योर ही इज गोइंग टू गिव अ फैबुलस परफॉर्मेंस सो मैं वो देखना चाहूँगा बाकी भी आई एम श्योर अच्छे होंगे मुझे लगता है एनसेंबल कास्ट जो है ना जो अश्विनी करते भी हैं और आजकल का दौर है आई थिंक एनसेंबल कास्ट में जो सब अच्छे एक्टर्स लेते हैं और लिए हैं And Pavan Malhotra, who is in my film, so I know he's a brilliant actor. Oh, yeah, Pavan, इनमें से किसको बोल सकते हैं आप कि इनकी परफॉर्मेंस देखने का आई मीन ऑल ऑफ देम आई थिंक ये सोने पर सुहागा एक से बढ़कर एक काफ़ी अच्छी नहीं बहुत अच्छी रेटिंग है नंबर वन शो है टेलीविजन पर कपिल और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है हमने कॉमेडी सर्कस से रिश्ता शुरू किया था और कपिल एक यूनिक पर्सन है उनके साथ और वो पर्सनली ऐसे हैं कि जो उनके साथ रिश्ता बनाता है ना वो उसको बहुत बाखूबी निभाते हैं और मैं भी इसमें यकीन करती हूँ मेरे सारे जो दोस्त हैं ना जो कोई 25 साल पुराने दोस्त हैं 30 साल मेरे बचपन के दोस्त आई थिंक ऐसे शख्स जब मिलते हैं एक साथ काम करते हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनली दोनों के जो रिश्ते होते हैं वो जब मिलकर एक साथ पब्लिक के सामने आते हैं तो पब्लिक को ना वो दिल को छूता है तो जो वार्मथ नजर आती है तो हम दोनों में वो एक्चुअल बहुत ज़्यादा प्यार है और मस्ती है कूट कूट के भरी हुई है सो वो जब केमिस्ट्री लोगों को स्क्रीन पर दिखती है तो उसमें बहुत मज़ा आता है और ये सब सच है मतलब कुछ भी मेड अप नहीं है हम कैमरे के लिए कुछ नहीं करते कपिल और मैं जो एक दूसरे का रिएक्शन हो जो मुझे मतलब बदमाशियाँ करता है स्क्रीन पर वो सब रियल है और उसके बाद बोलता है सॉरी मैम उसका ये जो स्वीटनेस है और जो मतलब इंसल्ट करके और थोड़ा सा यू नो छेड़ करके वो जो हाँ प्यार से बोलता है आई मीन हम दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत बढ़िया है और इसीलिए जो कपिल शर्मा का शो है नॉट जस्ट मैं जब भी वो ये शो करते हैं उसमें जो मासूमियत और जो फन और मस्ती होती है इसीलिए लोगों से पसंद करते हैं